गोपालगंज जिले के कुख्यात अपराधी सुंदरम कुमार सोनी अपने चार साथियों के साथ गिरफ्तार। सुंदरम कुमार सोनी पर गोपालगंज जिले में कई थाने में आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। सुंदरम कुमार सोनी के पास से हथियार, गोली और लैपटॉप बरामद किया गया है। एसटीएफ और गोपाल में पुलिस जांच कर रही है। देर रात गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। अपराधी के पास से हथियार मिला है, कारतूस और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। गोपालगंज से खबर, कुख्यात अपराधी सुंदरम कुमार सोनी गिरफ्तार किए गए। और बता दें कि अपने चार साथियों के साथ गिरफ्तार सुंदरम कुमार सोनी पर गोपालगंज जिले में कई थाने में आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। सुंदरम कुमार सोनी के पास से हथियार, गोली और लैपटॉप बरामद किया गया। एसटीएफ और गोपाल में पुलिस जांच कर रही है। देर रात गोपालगंज और मीरगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम, जुड़ चुके हैं। मरगूब, कुख्यात अपराधी सुंदरम कुमार सोनी गिरफ्तार, क्या कुछ अपडेट? सुंदरम कुमार सोनी इनका इसका नाम है और ये गोपालगंज के इलाके में ये कुख्यात अपराधी है जी। और कई थानों में इसके खिलाफ कई आईपीसी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। एसटीएफ की टीम काफी दिनों से इसके पीछे लगी थी, गोपालगंज पुलिस भी लगी थी। अंतर्गत एसटीएफ की टीम और गोपालगंज पुलिस को जानकारी मिली कि मीरगंज के इलाके में ये अपने कुछ गैंगों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है। उसके बाद घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ चार अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके पास से एक लैपटॉप मिला है जिसमें कई बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कई मामलों में उद्भेदन में पुलिस के लिए सहायक होंगे। हथियार मिला है, गोली मिला है और मोबाइल मिला है। फिलहाल इसके मोबाइल और इसके सभी सामानों को जब्त किया गया है। लैपटॉप की जांच साइबर टीम के द्वारा की जा रही है। सुंदरम कुमार सोनी और इसके चार साथियों से गोपालगंज एसटीएफ की पुलिस पूछताछ कर रही है और उस इलाके में हुए कई बड़े गंभीर बड़े अपराध खुलासे की संभावना है। और ये भी संभावना है कि आज इनकी प्लानिंग क्या थी और किस तरह का अपराध करने के लिए जुटे थे। फिलहाल एसटीएफ की टीम और गोपालगंज पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और सुंदरम कुमार सोनी से पूछताछ की जा रही है जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एसटीएफ ने सुंदरम के साथ उसके चार सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है।